पिछले वीडियो में हमने देखा था जो ड्यूअल स्टार्टर होता है उसका पावर वायरिंग कैसे होता है और कंट्रोल वायरिंग कैसे होता है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो एसी मोटर होती है हम ड्यूअल स्टार्टर यूज करके हम 1, 2, 3 जगह से कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, ऑन ऑफ कैसे कर सकते हैं रिमोट के जरिए, आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन दबाइए, आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ड्यूएल डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर रिमोट वायरिंग कैसे करते हैं आज इस वीडियो में देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का पावर वायरिंग कैसे होता है, उसका कंट्रोल वायरिंग कैसे होता है। पिछले वीडियो में देखा था ये जो पावर वायरिंग है ये सेम ही है, जैसे कि यहाँ पे फ्यूज है, MCB यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पे ओवरलोड प्रोटेक्शन, ये रिले है, ये MCB है, ये रिले है और ये बेसिक कॉन्टैक्टर है, ये कॉन्टैक्टर है और ये मोटर है। एसी मोटर हम 1 HP से 7.5 HP तक हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये सेम जैसे पिछले वीडियो में हम देखा था ये पावर वायरिंग एज इट इज सेम रहेगा, सिर्फ हमें क्या करना है जो कंट्रोल वायरिंग होता है उसी में चेंजेस होता है, तो इसी में हम चेंजेस करते देखते हैं। देखिए इलेक्ट्रिकल में बेसिक हमने देखा था जो वायरिंग होता है वो एक सीरीज और पैरेलल, यही कंसेप्ट इस रिमोट वायरिंग में कंसेप्ट यही यूज में आएगा, यही बेसिक जो है वो सीरीज और पैरेलल का कंसेप्ट है। इस ये कंसेप्ट यूज करके हम ये जो कंट्रोल वायरिंग है बहुत ही आसान तरीके से हम ये रिमोट वायरिंग हम यहाँ पे करने वाले हैं। ये देखिए ये यहाँ पे एक स्टॉप बटन है, स्टॉप 1 बटन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये स्टार्ट बटन है, ये स्टार्ट बटन 1, 2 और 3 स्टार्ट बटन है। यहाँ पे 3 जगह से हम स्टार्ट मोटर ऑन ऑफ कर सकते हैं, 3 जगह से इको तीनों जगह से हम मोटर ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए देखिए ये मैग्नेटिक कॉइल है, ये मोटर ऑन ऑफ कर कॉन्ट्रैक्टर ऑन ऑफ करने के लिए ये मैग्नेटिक कॉइल है। ये देखिए हम पहले से देखते हैं पहले कंट्रोल वायरिंग कैसा है इसका हम जानेंगे। जो भी ये देखिए RYB सप्लाई यहाँ पे हमने लिया है, यहाँ से Y से हम बेसिक सप्लाई हमारा 440 थ्री फेज होल्ड सप्लाई है, 440 थ्री फेज पे हम वर्क ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे से Y फेज हम पहले लेंगे और जो स्टॉप बटन है वो Y फेज से डायरेक्टली तीनों स्टॉप बटन है वो तीनों सीरीज में लेंगे, यहाँ से पहला बटन हो गया, उसके सीरीज में दूसरा बटन हो गया स्टॉप बटन, ये तीसरा बटन हो गया स्टॉप बटन, यहाँ से होके हमारा जो स्टार्ट बटन है उसके आगे स्टार्ट बटन जाएगा, स्टार्ट बटन के वायर को जाएगा। अभी देखें ये सीरीज का कंसेप्ट हमारा ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी जो पैरेलल का हमने जो बेसिक में कंसेप्ट है पैरेलल का कंसेप्ट यहाँ पे यूज में आएगा। ये देखिए जो स्टार्ट बटन है जो तीन ये स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन 1, ये स्टार्ट 2, ये स्टार्ट 3, ये तीनों बटन हम पैरेलल में हम यहाँ पे हमने जोड़ा है, 1, 2, 3 ये जो स्टार्ट बटन है ये तीनों बटन स्टार्ट को जोड़ा है, इसका एंड बटन दोनों बाजू में है हमने पैरेलल किया है। जो स्टॉप बटन का जो वायर आएगा ये फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे जोड़ेंगे और जो दूसरा बाजू है हम डायरेक्टली कॉइल को जोड़ेंगे, ये जो मैग्नेटिक कॉइल है ये कॉइल को हम जोड़ेंगे। और ये जो ये आप देख रहे हैं ये वाला ये है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर, ये जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है ये दो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर का समझो ये C1 हो गया और ये C2 हो गया, ये डायरेक्टली ये जो अभी स्टार्ट बटन है ये स्टार्ट बटन के हम पैरेलल में जोड़ेंगे, जो स्टार्ट बटन है और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है ये पैरेलल में आएगा,
जो स्टॉप बटन है, स्टॉप S1, S2 और ST ये सीरीज में आएंगे। यहाँ से जोड़ के यहाँ पे हमारा ये कंट्रोल वायरिंग खत्म होता है। बहुत ही आसान है, यहाँ से हम यहाँ से कौन सा भी हम बटन चालू करेंगे तो ये कॉइल डायरेक्टली ऑन हो जाएगा, क्योंकि ये NC है, नॉर्मली NC कनेक्शन है, NC है, और ये नॉर्मली NO है, नॉर्मली ये NO है। यहाँ से कौन सा भी बटन हम स्टार्ट बटन दबाएंगे तो यहाँ से सप्लाई जाके, ये नॉर्मली कॉन्टेक्ट है, यहाँ से सप्लाई जाके, समझो हमने स्टार्ट बटन का A दबाया तो यहाँ से सप्लाई जाके कॉइल को जाएगा, कॉइल से यहाँ पे B पे सप्लाई जाएगा और ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा और यहाँ पे हमारा ये यहाँ पे हमारी मोटर चालू हो जाएगी। और चालू हो जाने के बाद हमें मोटर बंद करना है तो हमें कौन सा भी यहाँ का एक जो बटन है, स्टॉप बटन है, यहाँ पे हम बटन दबाएंगे तो ये जो NC कॉन्ट्रैक्टर है ये नॉर्मली ये ओपन हो जाएगा और हमारा यह सप्लाई पे जो मैग्नेटिक कॉइल का जो सप्लाई जाएगा यहाँ पे कट हो जाएगा और हमारी मोटर बंद हो जाएगी। यहाँ से कौन सा भी बटन हम दबाएंगे तो यहाँ पे हमारा सप्लाई बंद होने के बाद भी मोटर बंद हो जाएगी। यही जो बेसिक कंसेप्ट है ये इतना आसान है, आसान तरीके से ज़्यादा मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। यहाँ से बेसिक कंसेप्ट है सीरीज और पैरेलल, ये कंसेप्ट बहुत सिर्फ हमें ध्यान में रखना है, सीरीज कहाँ पे यूज़ करना है, पैरेलल कहाँ पे यूज़ करना है, ये बेसिक हमें कंसेप्ट सिर्फ ध्यान रखना है। उसके से सीरीज और पैरेलल के हिसाब से ही ये रिमोट वायरिंग काम करता है। तो आपका हमारा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ऑलरेडी सब्सक्राइब किया होगा तो हमारा बेल आइकन दबाइए, आने वाला वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।